हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं टेम्परेरी ईमेल के बारे में। टेम्परेरी ईमेल होती क्या है और क्या है इसके यूजेस, और क्यों यूज करते हैं हम इसे, और कैसे हम जनरेट कर सकते हैं टेम्परेरी ईमेल, और किस तरह से हम वेरीफाई करते हैं किसी वेबसाइट को इसके थ्रू या फिर हमारे अकाउंट को एक टेम्परेरी ईमेल के थ्रू। तो गाइज देखते रहिए ये वीडियो। सो अब स्टार्ट करते हैं हम। सो टेम्प्ररी ईमेल है क्या हमारे पास? एक्चुअली में टेम्प्ररी ईमेल हमारे पास एक ईमेल है जिसके थ्रू हम वेरीफाई करते हैं हमारे अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ईमेल है जो कि टेम्प्ररी है, और एक साइड है फेसबुक जहां पे आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, या तो वहां पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल के उसे वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर अपनी पर्सनल ईमेल, या फिर आप उसमें एंटर कर सकते हैं एक टेम्प्ररी ईमेल। टेम्प्ररी ईमेल से होगा क्या कि जब आप उसे एंटर करेंगे फेसबुक में, तो फेसबुक जो है वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा आपको उस टेम्प्ररी ईमेल में, और आप उस टेम्प्ररी ईमेल से जो है आराम से वेरीफाई कर सकते हैं अपना फेसबुक अकाउंट और इंजॉय कर सकते हैं फेसबुक को या किसी और वेबसाइट को। सो गाइस, अब हमारा क्वेश्चन है कि टेम्प्ररी ईमेल को यूज़ क्यों करते हैं हम। तो टेम्प्ररी ईमेल को हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम कहीं पे जाके चेक करना चाहते हैं कि ये वेबसाइट कैसी है वगैरह वगैरह, या किसी जगह पे आप फेक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं या गलत। सो फेक अकाउंट्स क्रिएट करना एक गलत बात है, और उस या फिर आप जा सकते हैं किसी वेबसाइट में और उसे चेक कर सकते हैं उस वेबसाइट को कि वो कैसी है, या फिर आप इसलिए भी एक टेम्प्ररी ईमेल का यूज़ कर सकते हैं कि आप बचना चाहते हैं स्वैम्प से, उस वेबसाइट के जो आपको भेजेगी उसके बाद में जो अपडेट्स वो बार बार भेजते हैं, आप चेक करना चाहते हैं सिर्फ उस वेबसाइट को, इसलिए भी आप उस टेम्प्ररी ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्प्ररी ईमेल एक्चुअल में है हमारे पास एक ईमेल जो कि हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरीफिकेशन के लिए या छोटे मोटे कामों के लिए। इससे हम ज़्यादा डाटा सेंड नहीं करते कहीं पर वगैरह वगैरह, ये सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेते हैं वेरीफाई करने के लिए हमारे अकाउंट्स को डिफरेंट वेबसाइट्स में, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया। यहाँ पे हम इन टेम्प्ररी ईमेल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सकें वहाँ पे अपना अकाउंट। सो गाइस, अब जनरेट करते हैं एक टेम्प्ररी ईमेल, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जनरेट करते हैं उस टेम्प्ररी ईमेल को और किस तरह से क्रिएट करते हैं एक फेसबुक आईडी या फिर ट्विटर आईडी उस ईमेल में। सो गाइस, अब ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र और सर्च करेंगे गूगल के लिए, और गूगल में हम सर्च करेंगे एक वेबसाइट जिसका नाम है ईमेल ऑन डेक। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी टेम्प्ररी ईमेल, बहुत इजी है यहाँ पे क्रिएट करना एक टेम्प्ररी ईमेल। इसमें क्लिक कीजिए फर्स्ट लिंक www.email.emailonDeck.com है ये जो भी है, इसमें जाइए, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप है हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक करेगा ये कि आप एक ह्यूमन बीइंग है या नहीं, या फिर कोई रोबोट यूज़ कर रहा है कंप्यूटर। तो यहाँ पे मुझे आया सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद द माउंटेन्स, माउंटेन इसमें है और बस दो में ही है। सो वेरीफाई करता हूँ। ओके, सो मुझे तो दो में दिखी यार, अच्छा इसमें भी है, और उसके बाद टिक बच जाएगा जैसे ही वेरीफाई होगा, और फिर हमें सिंपली क्लिक करना है गेट ईमेल में। गेट ईमेल में क्लिक होते ही ये लोड होगा और हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा यहाँ पे। सो गाइस, ये रही मेरी नई ईमेल dorios@r31s4fo.com। सो ये है मेरी ईमेल। अब मैं फेसबुक ओपन करता हूँ या फिर मैं ट्विटर को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे ट्विटर को ओपन कर दिया। सो अब हम क्रिएट करने वाले हैं ट्विटर में अकाउंट एक। सो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हम क्रिएट करते हैं अकाउंट यहाँ पे। सो अब जो है मैं जाऊँगा लॉगिन वाले में और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं साइन अप के लिए। ट्विटर में साइन अप के लिए क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा अपना, जैसे कि मैं ओरिजिनल नाम लिख देता हूँ राजीव, और ईमेल में हम डालेंगे ये टेम्प्ररी ईमेल जो भी है, इसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम, और पासवर्ड कोई भी सेट दे दीजिए यहाँ पे। पासवर्ड इसका पासवर्ड दे दिया, और उसके बाद साइन अप कर देंगे हम इसके लिए, और ये साइन अप हो रहा है अब, और इसे स्किप कर देंगे अब हम। सो स्किप कर दिया, और
अब जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है थोड़ी स्लो है यहाँ पे, और यूज़र नेम ले लेंगे हम, जैसे कि मैं कोई भी यूज़र नेम ले लिया, और उसके बाद ओके लेट्स गो। अब ट्विटर का अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन एक स्टेप और होता है जो कि है वेरिफिकेशन। सो अब इसकी वेरिफिकेशन होगी कैसे, तो कुछ दिनों बाद खुद ट्विटर मेरा अकाउंट बंद कर देगा या बोलेगा मुझे कि वेरीफाई कीजिए अपना अकाउंट, तो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम हो सकती है ट्विटर में, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना पड़ सकता है अपना अकाउंट। और यहाँ पे देखिए आ गया है मुझे ऊपर, कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस टू असेस ऑल योर ट्विटर फीचर्स। सो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली वहाँ पे जाऊँगा मैं अपने फर्स्ट पेज में जहाँ पे वो ईमेल क्रिएट की थी, और यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया ट्विटर का, सो मैं इसमें क्लिक करूँगा। अब क्लिक करते ही ये ओपन होगी ईमेल जो मुझे सेंड की थी ट्विटर वालों ने, और कंफर्म में क्लिक कर दूंगा। कंफर्म में क्लिक होते ही मेरा ट्विटर का अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मैं ऑफिशियली यूज़ कर सकता हूँ ट्विटर को एक टेम्प्ररी ईमेल की वजह से। सो गाइस इस तरह से हम यूज़ में लेते हैं टेम्प्ररी ईमेल, इसके थ्रू हम जितने चाहें उतने अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको बता दूँ कि इसका गलत यूज़ ना करें कते भी, और फेक आईडीज मत क्रिएट कीजिए, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और आप इसकी मदद से कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट को जाके टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे चेक कर सकते हैं किसी वेबसाइट को वगैरह वगैरह वगैरह। आप वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ लीजिए, अगर आप अपना फ़ोन नंबर लीक नहीं करना चाहते या पर्सनल ईमेल, तो ही आप इसे यूज़ में लीजिए एक टाइम के लिए वेरीफाई करने के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।